भामाशाह उपनगर वार्ड 4648 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गा मंदिर परिसर में संघ द्वारा विजयादशमी के पावन पर्व को मनाते हुए पथ संचलन एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा विजयादशमी का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में खुर्सीपार के भामाशाह उपनगर में वार्ड 46 से वार्ड 48 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गा मंदिर तक पथ संचालन किया गया। तत्पश्चात स्कूल परिसर में एक सभा का आयोजन भी किया गया। इसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर दुर्ग जिला सेवा प्रमुख तोरण सिन्हा उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रीति नीति से अवगत करते हुए विजयादशमी की बधाइयां देते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। वहीं बस्ती प्रमुख पवन कुमार कौशिक ने भी सभा में प्रेरणा गीत प्रस्तुत किया एवं संगठन का मूल मंत्र संघ ने ही सिखाया है इस पर रोशनी डालते हुए कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा से अवगत कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से विजयादशमी को शौर्य और पराक्रम का प्रतीक मानकर उत्सव मनाता है। इस दौरान पूरे देश भर में सभी शाखाओं के लोग पथ संचालन एवं संघ के ध्वज तले शस्त्रों की पूजा करते हैं। साथ ही आम जनमानस को संदेश देते हैं कि अब सर्व हिंदू समाज को संगठित होकर रहने की जरूरत है ताकि कोई अन्य शक्तियाँ भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनने से ना रोक पाए। हिंदू समाज सनातन समाज विजयादशमी को विजय के पर्व के रूप में मनाते हैं। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का संकल्प लेते हैं, वर्ष भर कार्य करते हैं। कार्य करते करते फिर भी कुछ कमी आ जाती है तो फिर पुनः हम वर्ष में विजयादशमी के आने वाले वर्ष में फिर संकल्प लेते हैं। इस प्रकार हम प्रत्येक पर्वों को मनाते हैं। अपने अंदर की जो कमियाँ हैं उसका दहन करना है आज का पर्व, यही सीख देता है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या संघ अभी भी कोई कमी देख रहा है देश की उन्नति में? देश की उन्नति ठीक है, राजनीतिक करता है, व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। संघ व्यक्ति निर्माण करता है तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। व्यक्ति ठीक है तो सारे ठीक है, कानून ठीक है पर व्यक्ति गलत है तो वही कानून खराब हो जाता है। इसलिए संघ का एकमेव कार्य है व्यक्ति निर्माण। सभी सर्व समाज को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं भामाशाह नगर के कार्यकर्ताओं की ओर से। हमारा जो संगठन है, जो संघ है, हमारा मूल मंत्र संगठित रहें और हमारा जो कार्य है सौर हिंदू समाज के लिए, भाईचारा के लिए और हमें अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारा जो संगठन बना है और हमारा जो मूल्य संघ ने सिखाया है, मतलब हमारा जो मूल मंत्र है यही है कि हम अपने हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए रहें और जिए और हिंदू से समर्पित रहें माँ भारती के लिए। आज क्या विशेष मौका और क्या कार्यक्रम हुआ? आज का महापर्व विजयादशमी, शस्त्र पूजन, संघ का आज 99वीं स्थापना दिवस, जिसमें हम सभी संघ सेवक पूरे धूमधाम से उल्लास के साथ मनाते हैं पूरे भारत भर में, जिसका पद संचलन था दुर्गा मंदिर वार्ड 4648 में, जिसमें कि दुर्गा वार्ड से निकलते हुए लास्ट दुर्गा मंदिर में समापन हुआ। क्या संदेश देते हैं जनता को? मैं और संघ की तरफ से संदेश देता हूं कि सभी हमारे सनातनी भाई संगठित रहें, मजबूत रहें और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एकदम आगे रहें और मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूरा खुर्सीपार शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान होता रहा। भारत माता के। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।